गड़ी में पहुंचे हैं। गड़ी में क्या चल रहा है, विकास करिए, ये आपको यही विकास है, ये विकास हो रहा है, ये आपको साफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चार बोल रहे हैं, यहाँ का कहाँ है विकास जी, आप कहाँ विकास है, आपको दिखाई दे रहा है। हरियाणा पोल कॉल न्यूज की टीम आज गांव गड़ी में पहुंची है। गांव गड़ी में आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी बरसात ने विकास कार्य की पोल खोल दी है। जगह जगह पानी पूरा भर चुका है, रोड पर आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है ये दिखा रहे हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा पोल कॉल न्यूज से ललित भारद्वाज गांव गड़ी में पहुंचे हैं। गड़ी में क्या चल रहा है, विकास कार्य ये आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी बरसात ने खोल दी है पोल जो गड़ी में हम खड़े हैं, जो महेंद्र रोड जोड़ता है, बिल्कुल पानी पानी हो रहा है, सड़क ध्वस्त पड़ी है। आखिर यही विकास है, ये विकास हो रहा है, ये आपको साफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ रोड टूटे हुए पड़े हैं, लोग कहीं ना कहीं लोगों में भी गुस्सा है। हम जब ने यहाँ से गुजर रहे थे, कई लोगों ने हमें बताया कि इसकी दयनीय स्थिति हो रही है, बिल्कुल ख़राब है, कोई सुना ही नहीं कर रहा। हम इसको लेकर गाँव के कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। भाई साहब का क्या नाम है? फकीरा है। फकीरा, हाँ। तो ये कब से रोड ध्वस्त पड़े हैं? ये 3 महीने 4 महीने हो गए जी। तो कोई सुनाई वगैरह नहीं? कोई सुनाई नहीं, इसके बहुत काफ़ी काम खराब हो रहे हैं। तो बगैर किसी नेताओं से मिले आप? हाँ, बहने से कल ही एक दो बरा लिए, कोई देख के भी गए हैं। अच्छा, अधिकारी वगैरह विधायक देख चुके हैं रोड को, लेकिन कोई सुनाई नहीं है इसके लिए, बहुत परेशान हो रहे हैं। माड़ा माता बहने पढ़ती हैं, बहन सब बर्बाद हो रहा है थोड़ा। तो रात को भी रात को दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत है। भाई साहब का क्या नाम है? गोपाल है जी। गोपाल, तो कब से ये दिक्कत है ये यहाँ? ये कम से कम भी 6 महीने हो गए भाई साहब। तो गांव के लोगों ने खूब कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कई बार बहना साहब से मिले हैं। अच्छा, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई सुनवाई? विकास बोल रहे हैं यहाँ का? यहाँ का कहाँ है विकास जी? आप तो ये तो जैसे सामाजिक रोड है, जैसे कि गांव के अंदर जाके देखो आप क्या हाल है, सारी गलियां फटी पड़ी हैं। कहाँ विकास है, आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ से कोई भी बाइक वाला गुजरता है, कोई लेडीज़ बैठी है पीछे, वो गिरती है यहाँ, कभी कोई बच्चा गिरता है, हर डेली का हादसा है यहाँ, कभी गाड़ियाँ फंसती हैं, कभी कुछ होता है, हर दिन ऐसा हाल है। थोड़ी सी बरसात ने कहीं ना कहीं पानी, ये जैसे जितने भी ये डाल रखे हैं, मैंने खुद नहीं डालवाए यहाँ। भाई साहब का क्या नाम है? अशोक सर। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी सर। तो भाई साहब आपको क्या लग रहा है यहाँ का विकास, क्या बोल रहे हैं? भाई साहब आपके सामने देख लो आप, 4-5 साल से यहाँ तो सरपंच को बोल लिया, आगे वीडियो लोगों में बोल लिया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही किसी की तरफ। तो सरपंच है पीडब्ल्यूडी का काम। हेलो, तो आप लोगों ने कहा नहीं कभी? साहब सबको कह किसी के लिए, कुछ सुनवाई तो नहीं करता, कोई सुना नहीं कर रहा, कुछ सुना नहीं कर रहा। तो आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरने का भी डर रहता है, आगे भी खड्डा है, ये लोगों में गुस्सा है, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए जब हमारी टीम यहाँ पहुँची। साफ तस्वीर में आप तक हम पहुँचा रहे हैं, हम हर आए दिन कोई ना कोई पड़ता है रात के अंधेरे में। आपको बता दें, रात के अंधेरे में किसी का पैदल निकलना बिल्कुल मुश्किल है। जो हम यहाँ से निकल के आए हैं, बारिश का मौसम है और लाइट लूट का भी कोई प्रबंध नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई नहीं है गांव में। ये रोड मेन है जो कि महेंद्र गांव को जोड़ता है, गड़ी में हम खड़े हैं और इस सूरत में अगर रात को कोई पैदल अगर जाए तो उसका निकलना बिल्कुल मुश्किल है, और कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरते भी है। लोग बता भी रहे हैं आगे कि आए दिन कोई ना कोई यहाँ पड़ता है गड्ढे में। अरे, बरसात का मौसम शुरू हो गया, बरसात जैसी आई है वैसे ही लोगों की परेशानी और दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। हम बार बार प्रशासन से अपील करते हैं कि इस रोड की व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो लोगों में गुस्सा कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल पूरा रोड है, मेन रोड पूरा ध्वस्त हो चुका है दूर तक का, और गाड़ियाँ निकलने की व्यवस्था नहीं। आपको दिखा रहे गाड़ी किस प्रकार, बिल्कुल देखिए किस प्रकार खड्डे हैं, झटके लग रहे हैं, ये साफ तस्वीर आप तक हम दिखा रहे हैं। हरियाणा पोल कॉल न्यूज़ पर ये हालत है, ये साफ हालत दिखा रहे हैं आपको दूर तक, कोई सुनाई नहीं हो रही बता रहे हैं गांव के लोग। काफ़ी दिनों से ये रोड ध्वस्त पड़ा है, हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे हर अपडेट। जो आज हमने देखा गड़ी गांव में जो हालत थी वो आप तक पहुँचाई, आगे हम किसी और गांव में मिलेंगे। हरियाणा पोल खोल के ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट